महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने पर एवं उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में अभूतपूर्व परिणाम आने पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की धारा बहाई है, उसी के परिणाम स्वरूप आज विधानसभा चुनावों के परिणाम में भाजपा की जीत हुई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में जीत की बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है और उसी का नतीजा है कि हम उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थानों पर अपना सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुसार हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है और उस काम को तरजीह देते हुए उस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सत्ता देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी हमारी 11 सीटों पर चुनाव था जिसमें 3 तो उन्हीं के थे, उन्हीं लोगों के थे, और सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कर रही है और मुझे लगता है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर और विकास के कार्यों से प्रभावित होकर के जनता वोट दे रही है।